गाड़ी के पावर्स की बात करें तो काफी अच्छा आ रहा है, बहुत जबरदस्त फॉर्म कर रही है। अभी हाल ही में सर्विस कराई थी इसकी, तो काफी साइलेंट हो गई है, बहुत ही आराम से वॉइस चल रही है, आवाज भी इसकी काफी कम हो गई है, और ब्रेक की जो दिक्कत थी हल्की सी वो भी काफी दूर हो गई है, थोड़ी बहुत ही है, पर अभी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा आ रहा है। और इस ट्रिप में एवरेज भी आपके देखेंगे ओवरऑल एवरेज कितना मिलता है, बने रहिएगा। अच्छी वाली सड़क थी अभी वो तो जा चुकी है, अपना सिक्स लेन हाईवे, अब ये आ गई है यहाँ पे सिंगल लेन रोड, पतली पतली सी रोड है, तो यहाँ पे ऐसा कोई दिखाने लायक है नहीं, कुछ खास सी नहीं, ब्यूटी भी नहीं है। तो आगे मिलते हैं, आगे जब बढ़िया बढ़िया नजारे चल होंगे तब बढ़िया तरीके से दिखाएंगे क्या पर है, अभी कुछ अपडेट होगी तो देता हूँ थोड़ी देर में। और उसके कुछ ही देर बाद पड़ा हमारा फेमस सैरामऊ ढाबा, जिसपे रुक के हमने आराम से चाय कॉफ़ी पिया और खाए सैंडविच जो कि बहुत ही टेस्टी थे। तो अगर आप इस रूट पे जा रहे हैं तो यहाँ पे बिल्कुल रुक सकते हैं, काफ़ी ज़बरदस्त ढाबा है, काफ़ी मस्त है। और खाना खाने के बाद हमको नींद आने लगी और जैसे तैसे नींद को रोक के हम लोग निकल पड़े आगे की ट्रिप पूरी करने, और इस बार गाड़ी चलाने की बारी आ गई थी मेरी। बरेली से आगे हम लोग आ गए और यहाँ पे हमने लिया है कुछ लाइम सोडा ब्रेक, और ये खड़ी अपनी गाड़ी, ये रहा अपना हाईवे, यहाँ से ही आगे निकल जाएंगे बरेली की तरफ, ये बन रहा है हमारा यहाँ पे लाइन छोड़ा, और यहाँ पे मस्त खड़ी अपनी गाड़ी। तो बस यहाँ से थोड़ी देर में खा पी के निकलेंगे और फिर आगे देखते हैं, अभी तक का परफॉर्मेंस काफ़ी सही आ रहा है और एवरेज जो है वो 14.6 का हो गया, आराम आराम से ही चल रहे थे, ज़्यादा तेज़ नहीं चल रहे थे क्योंकि रोड वोड काफ़ी गड़बड़ सी है। तो अब आगे की जर्नी देखते हैं कैसी रहती है। दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं हल्द्वानी बाईपास पे, और यह सबसे अच्छी बात यह है कि इस बार काफ़ी जल्दी पहुंच गए, गर्मियों का मौसम चल रहा है तो अभी तक सूरज डूबा नहीं है, सूरज निकला हुआ है, और इससे अच्छी बात यह है कि अब यहाँ पे अच्छे अच्छे नज़ारे दिखेंगे उनको जिनको कैप्चर कर पाएंगे। तो कोशिश करते हैं जितना पॉसिबल होता है आपको भी दिखाते हैं, और अभी छोटा सा एक फ्यूल ब्रेक लिया था, फ्यूल में भरवा लिया बढ़िया तरीके से जिससे ऊपर कोई दिक्कत ना हो, और सीधे अब यहाँ से निकलते चलेंगे अल्मोड़ा की तरफ, और जो बढ़िया बढ़िया रास्ते आने वाले हैं वो भी आपको दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ से पहाड़ देखना चालू हो गए और बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, मौसम भी काफी सही हो रखा है, तो चलिए देखते हैं आगे क्या सीन है। दोस्तों अभी रुके थे हम लोग चेक पोस्ट पे क्योंकि यहाँ पे गाड़ियों की एंट्री करवानी पड़ेगी, क्योंकि आचार संहिता लग गई है जिसकी वजह से यहाँ पे हर आने जाने वाली गाड़ियों की एंट्री कंपलसरी हो गई है। तो एंट्री वेंट्री करा के 5 मिनट का टाइम लगा, थोड़ी सी चेकिंग की गई, उसके बाद हम लोग निकल चुके हैं बढ़िया बढ़िया नज़ारे देखने वाले। देखिए यहाँ से चालू हो गया पहाड़, कितने सुंदर लग रहे हैं, वहाँ पीछे हो रहा है सनसेट, अभी तो पेड़ से छुप गया है पर पीछे से बहुत ही सुंदर लग रहा था, और ये पूरे आगे तक यहाँ पे पहाड़ ही पहाड़ दिख रहे हैं, यहाँ से बहुत ही सुंदर व्यू आ रहा है और पहाड़ों के बीच में से रोड जा रही है बढ़िया। तो आगे चलते हैं और देखते हैं और क्या बढ़िया बढ़िया नज़ारे देखने को मिलते हैं।
सर चलते चलते हो गई है रात और हम लोग पहुंच गए हैं भीमताल। ये देखिए यहाँ से कितना सुंदर नज़ारा दिख रहा है और भीड़ तो बहुत ज़्यादा है, बहुत गजब की भीड़ है। बीच बीच में रास्ता भी कैसे ऊबर खबर से टूटा हुआ है, तो धीरे धीरे ही चल पा रहे हैं, ज़्यादा तेज़ नहीं चल पा रहे हैं। और अब साथ में हो गया अंधेरा, तो अंधेरा होते ही जितने भी वीडियोस थे कैप्चर हो सकते थे उतने भी कैप्चर कर लिए हैं, पर अब कुछ खास रोशनी है नहीं तो वो कैप्चर हो नहीं पा रहा है। तो ठीक है, जितने भी वीडियोस थे वो मैंने डाल दिए हैं, बाकी के कल अच्छे अच्छे नज़ारे तो मिलेंगे ही। पर यहाँ से अब जो है हमारा टेम्परेचर भी डाउन होना चालू हो गया, नीचे जो हमारा था 32-34 के आसपास जा रहा था वो अब हमारा 20 के आसपास पहुंच गया है। तो ऊपर जैसे जैसे चढ़ते जा रहे हैं मस्त ठंड बढ़ती जा रही है, मौसम काफ़ी गजब का हो गया है। तो चलिए और ऊपर चलते हैं और देखते हैं अल्मोड़ा में क्या सीन रहता है। तो जैसे जैसे हम लोग ऊपर चढ़ते गए तो बढ़िया नज़ारों के साथ हमको ज़बरदस्त वाइल्ड फायर देखने को मिली। पहाड़ों पे बुरी तरीके से आग लगी हुई थी, काफ़ी तेज़ थी और पूरे उसमें धुआं धुआं फैला हुआ था, यहाँ तक कि इसकी महक भी आ रही थी बुरी तरीके से और पूरे उसमें धुएं धुएं की वजह से हल्का सा कोरा कोरा भी हो रहा था। बहुत ही ज़बरदस्त वाइल्ड फायर थी और इसी वाइल्ड फायर और उसको देखते हुए रात के अंधेरे में धीरे धीरे चढ़ते हुए हम लोग पहुँच गए अल्मोड़ा में अपने होटल में। और अपने होटल में पहुंचते ही हमने किया थोड़ा सा रेस्ट और वहां पे उसके बाद की कहानी ये देखिए कैसा था हमारा रूम वहां का। तो दोस्तों अगले दिन की हो गई है सुबह और ये है हम लोगों की बालकनी और यहाँ से ऐसा दिखता है कुछ नज़ारा, बढ़िया लग रहा है। सामने सामने माउंटेन वाउंटेन दिख रहे हैं, बादल बादल काफ़ी है। पिछली बार आए थे तो पूरा वहाँ पे स्नो पीक्स वगैरह दिख रही थी, अभी तो कुछ नहीं दिख रही है, सब ढकी हुई है। और पिछली बार रूम भी ऊपर वाला था शायद इसलिए भी वहाँ से दिख रही थी, अभी ये वाला रूम है यहाँ से तो इतनी नहीं दिख रही है। हवा हवा काफ़ी सही चल रही है, ठंडी सी और व्यू भी बड़ा ज़बरदस्त है, मस्त व्यू है। अगर फूल वूल खिले हैं ऊपर, अपनी गाड़ियाँ खड़ी हैं यहाँ से देखें तो ऊपर वहाँ पीछे अपनी गाड़ियाँ खड़ी हैं और ये पूरा व्यू है यहाँ से, ज़बरदस्त लग रहा है, बढ़िया लग रहा है, एकदम शांति प्रिय इलाका। तो अगले दिन की सुबह हो गई और तैयार हो गए हम लोग फिर से अपनी पहाड़ बुला रहे हैं वाली टी शर्ट पहन के, क्योंकि पहाड़ों ने बुलाया और पहाड़ पे आ गए वापस से। तो अभी निकलेंगे बस थोड़ी देर में नाश्ता वाश्ता करके और चलेंगे सबसे पहले वाटरफॉल देखने और वहाँ पे मुक्तेश्वर महादेव का भी मंदिर है, तो पहले मुक्तेश्वर महादेव फिर वाटरफॉल देखेंगे, तो उस साइड पहले चलते हैं और वो कवर करते हैं पहले। कल रात को तो बहुत थक गए थे, कुछ खास रिकॉर्ड किया नहीं तो सो गए थे, फिर अभी उठे हैं और अभी फिर सीधे निकलते हैं यहाँ से नाश्ता करने के बाद। और नाश्ता वाश्ता करके हम लोग निकल लिए और कुछ ऐसा था मुक्तेश्वर महादेव का रास्ता। हम लोगों के होटल से यानी कि आप अल्मोड़ा से कहें तो वो आपको 40-45 किलोमीटर के आसपास पड़ेगा और काफ़ी लंबा रास्ता है, आप चलते ही जाएंगे शहर के बीच में से होता हुआ थोड़ा भीड़ भाड़ से होता हुआ इलाका है। बाद में रोड काफ़ी खुल जाती है और फिर अच्छी रोड आ जाती है, पर शुरुआत का जो इलाका है वो शहर से होता हुआ है, तो वहाँ पर कुछ खास ऐसी ब्यूटी भी देखने को नहीं मिलती, दोनों तरफ दुकान ही दुकान है तो इसलिए बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड करने का भी नहीं है, पर बाद में काफ़ी सही हो जाता है। और जब हम जा रहे थे तो चल रहा था यहाँ पे रोड का काम और पूरे उसमें गिट्टी लगी हुई थी और फिर हमको चलने में भी थोड़ी दिक्कत हो रही थी क्योंकि यहाँ पे सारी गिट्टी उछल उछल के आ रही थी और रोड भी काफ़ी बंद थी। यहाँ पे रुके हम लोग छोटे से क्विक ब्रेक के लिए, पीछे खड़ी अपनी गाड़ी कितनी मस्त लग रही है और सामने का नज़ारा जो है वो तो बहुत ही ज़बरदस्त है, ये देखिए कितनी सही मस्त ठंडी ठंडी हवा चल रही है, नीचे वहाँ पे कॉटेजेस वगैरह बने हुए हैं मस्त लग रहे हैं और यहाँ पे बढ़िया पेड़ वेड़ है। ये खड़ी अपनी गाड़ी कितनी मस्त लग रही है वहाँ पे और ये रहा पूरा रास्ता, एकदम शांतिप्रिय मस्त रास्ता है मुक्तेश्वर, यहाँ से 15 किलोमीटर के आसपास है तो पहुँच ही जाएंगे जल्दी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। नहीं ये बिल्कुल आपकी पूरी ड्राइविंग स्किल्स का टेस्ट है, ये वरना नीचे से टच कर जाए। हाँ यदि नीचे गाड़ी होगी तो टच कर ही रहेगी आराम से,
सामने से कोई दूसरी गाड़ी आ जाए तो भी दिक्कत है, यहाँ पर साइड करने की भी जगह नहीं है। फिर उसके बाद मुक्तेश्वर महादेव में दर्शन करके, अंदर तो फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी, हम लोग पहुंच गए पास ही में है 700-800 मीटर पर 0 पॉइंट, जहां पे आपको बढ़िया पहाड़ों का नज़ारा देखने के लिए मिलेगा, काफ़ी अच्छी जगह है। पर वही दिक्कत है कि यहां पे भी थे बादल, इसलिए स्नो पीक्स नहीं दिखी, वरना यहां पर भी काफ़ी बढ़िया सुंदर सुंदर स्नो पीक्स दिखती है, नंदा देवी वगैरह बहुत अच्छी अच्छी रेंजेस है, पर उस दिन तो कुछ दिखा नहीं। और उसके बाद फिर यहां से दर्शन वर्शन करके कुछ फ़ोटो खिंचवा के हम लोग निकल लिए अपनी आगे की जर्नी पूरी करने। दोस्तों अभी 0 पॉइंट कवर करके आए हम लोग, पॉइंट तो बहुत अच्छा है, वहां से व्यू भी काफी अच्छा आ रहा है, पर आज बादल बहुत ज्यादा है इसलिए कुछ खास दिख नहीं रहे हिमालयन रेंजेस, वरना यहां से दिखते स्नो पीक्स तो काफी मजा आता। पर ठीक है, ये हो गया है कवर, अब देखते हैं वाटरफॉल का क्या सीन है, आगे चल के जा पाते नहीं जा पाते। दोस्तों मुक्तेश्वर महादेव से तो हम लोग निकल लिए थे, लेकिन दुकाने वाटरफॉल के बजाय फिलहाल हम लोग जा रहे हैं बालू घाट, क्योंकि ये पास में ही है, वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं पड़ रहा था, 13-14 किलोमीटर था, और दुकानें जो है वो काफ़ी दूर दिखा रहा था। पहले जा रहे हैं यहाँ, यहाँ कवर कर रहे हैं, और यहाँ की जो रोड है वो भी काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ है, बहुत ज़्यादा सकरी सी रोड भी है, और ऊपर से यहाँ पे बहुत गड्ढे भी है, इसलिए काफ़ी टाइम लग रहा है जाने में। अभी भी 4.5 किलोमीटर के आसपास दिखा रहा है, तो देखते हैं कब तक पहुँच पाते हैं और कितनी चीज़ें कवर हो पाती हैं। पर बालूघाट का सुना है कि वहाँ पे काफ़ी अच्छा सा वो भी बना हुआ है वाटरफॉल, तो जाके देखते हैं वहाँ पे कैसा रहता है। एक टैक्सी वाले थे, उनसे बात हुई थी, तो उन्होंने बताया कि ये काफ़ी अच्छी जगह है जो हम लोग कवर कर सकते हैं। तो ठीक है, पहले यहाँ पर जाते हैं, यहाँ पर कवर करते हैं, नई जगह मिल गई है तो फिर बाद में देखते हैं आगे किस पे जाते हैं। हम लोग पहुंच गए बालूघाट, और वहां पे पहले ही बोर्ड लगा हुआ है कि यहां पे जो पानी है वो काफ़ी कम है, तो सोच समझ के ही अंदर जाएं, तो अंदर तो चले आए हम लोग। 1200 मीटर अंदर जाना है अभी, और रास्ता भी बड़ा गड़बड़ा है, तो देखते हैं वहां जाके क्या मिलता है, आपको दिखाते हैं। दोस्तों बालूघाट से तो हम लोग निकल गए थे, वहाँ पे तो कुछ खास पानी वानी था नहीं, छोटा मोटा वो वाटरफॉल ही था, लेकिन अंदर जाना पड़ा पूरा 1.2 किलोमीटर, वापस आना पड़ा 1.2 किलोमीटर, काफ़ी टाइम वेस्ट हो गया और उसकी वजह से लेट हो गया। और साथ ही जब वहाँ से निकले तो यहाँ पे रोड बनने का काम चल रहा है, तो पूरी सड़क ब्लॉक करके रखी हुई है, तो यहाँ पे जाम में फंसे हुए हैं, तो ये भी टाइम वेस्ट हो गया। और अब बजने वाले हैं 5 के आसपास का टाइम हो रहा है, और 5 के आसपास पे दुकानें वाटरफॉल और जो सन टेम्पल था वो दोनों हो जाते हैं बंद, तो अब लगता नहीं कि कुछ और कवर हो पाएगा, तो शायद सीधे होटल ही जाना पड़ेगा। तो इस ट्रिप में शायद अभी यही 3 चीज़ें आज के दिन में कवर हो पाई, इससे ज़्यादा नहीं हो पाई। फिर भी देखते हैं, रास्ता वही है, वहीं से जा रहे हैं, खुला हुआ तो ठीक है, जल्दी यहाँ से अगर छूट गए तो, वरना फिर सीधे अब होटल ही चलेंगे। तो दोस्तों लौटते टाइम हो गई थी हमको रात, और लेकिन लौटते टाइम जो नज़ारा देखने को मिला बहुत ही भयंकर, ये देखिए इस वीडियो में। बहुत ज़्यादा लेट होने की वजह से, रात होने की वजह से सब कुछ हो चुका था बंद, तो सीधे हम लोग निकल गए फिर होटल की तरफ, और वहाँ पे जाके किया रेस्ट, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए थे। और अब कहानी अगले दिन सुबह की। दोस्तों अगले दिन की सुबह हो गई है, नहा धो के हो गए हम तैयार निकलने के लिए, जहाँ तक है अब सीधे निकलेंगे ही घर, क्योंकि काफ़ी लेट हुए हैं, 9 बजे वैसे ही नाश्ता वास्ता बोल दिया है, तो वो जब तक आएगा करते करते टाइम काफ़ी हो जाएगा। तो कल लौटते टाइम हुआ ये कि जाम मिल गया, वो मिल गया, उसमें हो गए बहुत ज़्यादा लेट, 8:30 बज गया था यहाँ पहुँचते पहुँचते ही, तो कुछ और कवर हो नहीं पाया। तो इस ट्रिप में भी टोटल कुल मिला के ये 3 चीज़ें ही कवर हो पाई जो अभी मैंने आपको दिखाई। उसके बाद अब सीधे वापसी की जर्नी है, तो उसमें देखते हैं कुछ बढ़िया बढ़िया नज़ारे दिखेंगे तो वो आपको दिखाते हैं। बाकी अभी चलते हैं, नाश्ते का ऑर्डर दे दिया है तो वो आते ही होगा, पहले नाश्ता करते हैं
फिर निकलते हैं, जर्नी स्टार्ट करते हैं आज की। व्यू यहाँ से बहुत अच्छा है, व्यू मस्त है। ये पुराना वाला कमरा ही हम लोगों ने वापस ले लिया था, तो जो व्यू है ना अभी डाला वही वाला व्यू आ रहा है। बस ये है कि इस बार स्नो पीक्स वगैरह कुछ नहीं दिख रहा है, क्योंकि इसमें इस बार यहाँ पे इतने बादल हैं कि वो सब छुप गए हैं, तो वो तो सीन इस बार नहीं दिखा। दिख जाता तो बढ़िया रहता, पर कोई नहीं, अब इस बार नहीं दिखा तो कोई बात नहीं, अगली बार देखेंगे कभी। चलते हैं फिर, निकलते हैं। नाश्ता वास्ता करके जैसे ही हम लोग निकले, हमको देखने को मिला कि रास्ते में हमारे सूर्य मंदिर पड़ रहा है। तो हमने कहा कि कातरमल सूर्य मंदिर के दर्शन करते हुए ही वापस चलते हैं, और फिर सीधे मोड़ ली गाड़ी ओसर की तरफ और वहां पे निकल गए पतले से रास्ते पर एकदम ऊपर तक धीरे धीरे चढ़ते हुए सूर्य मंदिर में दर्शन करने। मंदिर बहुत ही अच्छा था, खाली था, आराम से दर्शन किए और उसके बाद फिर हम लोग निकले फाइनली कानपुर के लिए। तो एक डेस्टिनेशन और फाइनली कवर हो ही गई। दूर खड़ी अपनी गाड़ी और यहाँ से ऊपर कच्ची 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 सड़क पे अपन लोग आ गए और ये था मंदिर। यहाँ पर हो गए दर्शन, चलते हैं वापस और निकलते हैं वापस कानपुर के लिए। ये आखिरी डेस्टिनेशन भी कवर हो गया। दोस्तों हल्द्वानी से आगे आ गए हम लोग और अभी हमने फिलअप कराया है और अब मैंने एवरेज कैलकुलेट किया तो वो आया है 12.7 का पहाड़ों पे। तो फिटनी जो है वो टर्बो इंजन के साथ 1 लीटर वो आपको 12.7 के आसपास का एवरेज दे देगी पहाड़ों पे। बस ये थी इतनी सी कहानी। अब ये यहाँ पे रोड चल रही है बढ़िया, अभी तो फिलहाल अच्छा ही आ गया है, तो बढ़िया आपको रोड दिखाते हैं और फिर अब सीधे कानपुर की तरफ। चीज़ और भी है ना, वो डिपेंड करता है आपकी ड्राइविंग कैसी है। आपकी ड्राइविंग के ऊपर भी काफ़ी चीज़ें डिपेंड करती हैं, तो उसके हिसाब से भी हम लोगों की ड्राइविंग कंडीशन के हिसाब से 12.7 के आसपास का एवरेज निकल के आया है पहाड़ों में। वेन्यू से दोस्तों कानपुर भी अभी भी रह गया 209 किलोमीटर और अभी हम लोग कंसिस्टेंट स्पीड मेंटेन करके चल रहे हैं 80-90 की, और उस पर एवरेज आ रहा है हम लोगों का 20.1 के आसपास का। लास्ट रिफ्यूलिंग के बाद से इसको रीसेट कर दिया था और पूरे टाइम एसी ऑन है, एसी चला गया है, तो एवरेज काफ़ी ज़बरदस्त आ रहा है प्लेन्स में, बहुत ही गजब इनफैक्ट बढ़ गया है, 20.1 के आसपास का हो गया है। तो एवरेज में कोई दिक्कत नहीं है प्लेन्स पर, बहुत ही बढ़िया आ रहा है। तो बस इतनी सी थी इस अल्मोड़ा ट्रिप की कहानी, मिलते हैं फिर किसी बढ़िया ट्रिप में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।